So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSE by Unacademy. So please download Unacademy Learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ मिलेगा आपको daily live classes, मतलब live classes, ढेर सारी live classes, structured course रहेगा, पूरी तरीके से आपको ढेर सारी live test मिलेंगे और unlimited access मिलेगा बहुत सारी awesome video का. अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि आपके एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. सो आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं. अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शंस के बारे में. सो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है, जो वैसे तो उसकी कॉस्ट है 64,000, बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद, कौन सा आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाता है 10% का. जो 64,000 का है वो आपको पड़ेगा मात्र 57,600 रुपीस में. बहुत जबरदस्त है. कब कोड इस्तेमाल करोगे? आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करोगे, ठीक है तब. अब बात करते हैं, ये देखिए सबसे अच्छी बात, फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह अनअकैडमी भी है, लाया आपके लिए नो कॉस्ट ईएमआई. 6, 12, 24 महीने की आप ईएमआई बना सकते हैं, ठीक है, और उसमें इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं. आप समझिए 57,600 रुपीज में आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर, और यहाँ पे आपको क्या तैयारी करवाता है, पीटी की कराता है, मेंस की कराता है, ऑप्शनल जितने चाहे उतने ऑप्शनल पढ़ लो, चेंज करना है जितना चाहे चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं जब तक बेस्ट ना हो. फैकल्टी नहीं पसंद, फैकल्टी दूसरी ढेर सारी फैकल्टी, ठीक है, किस फैकल्टी से, किसी से मैथ्स पढ़ना है, किसी से कुछ और पढ़ना है, सीसैट किसी से पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पे होगा. टेस्ट सीरीज होगी, मॉक होगा, ठीक है, लाइव सेशन होंगे, डिस्कशन सेशंस होंगे, ठीक है, पूरे नोट्स मिलेंगे. तो इससे ज्यादा बेस्ट आपको कहीं कुछ नहीं मिल सकता. अब हम बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. तो भाई ये क्या है, देखिए एकदम नई चीज लेके आया है अनअकैडमी, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया, ठीक है. और इसमें अनअकैडमी आपको क्या प्रोवाइड करता है, देखिए ऑफलाइन कोचिंग की तरह जो होती है चीजें, ठीक है, उससे ज्यादा बेहतरीन एक स्टेप आगे निकलता है अनअकैडमी. और आपको प्रोवाइड करता है क्या, आपको प्रोवाइड करता है पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर. एक सोचिए, आपको मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेगी, ठीक है, जो आपका टाइम टेबल सेट करके देगी, आपकी डेली जो रूटीन है उसको सेट करेगी, साथ में आपको वो मोटिवेट करेगी, गाइड करेगी, स्टडी ट्रैक करेगी, डेली रिपोर्ट्स होंगे आपके, प्रोफाइल रिव्यू होगा आपका, आपके स्टडी बूस्टर सेशंस अलग से लगाए जाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लैक ऑफ लैक रुपीस खर्च करने पड़ेंगे, कि भैया अगर चलो तुम अपना मेंस प्री तो चलो कहीं से निकाल भी लोगे पढ़ वढ़ के, मेंस में क्या करोगे, मेंस तो होगा ही नहीं जब तक आंसर नहीं लिखोगे. आंसर लिखोगे तो दिखाओगे किसको, जिसको दिखाओगे, या फिर उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे. टेस्ट सीरीज जो एक एक टेस्ट सीरीज 12-12 आपको 25,000, 30,000, 40,000 की मिलेगी, ठीक है, तो उसमें भाई कैसे काम चलेगा. बट यहाँ पे जो आपको एडुकेटर प्रोवाइड होगा, मेंटोर जो प्रोवाइड होगा, वो आपको डेली राइटिंग सेशन करवाएगा, आपके उसका इवैल्यूएशन करेगा, और आपको बताएगा कि आपको किस तरीके से बेहतरीन मार्क्स अचीव करने हैं अपने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सब में, ठीक है. सो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, साथ में ऑप्शनल में भी, ठीक है. तो इससे बेस्ट आपको कहीं कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है. मेंटोर मिल जाए तो यूपीएससी क्लियर करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो. टारगेटेड करंट अफेयर अलग से होंगे, डेली क्विजेज होंगे, हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप होगी, ताकि आप अपने प्रेशर को झेल पाएं, एग्जाम के इस प्रेशर को. तो वही देखिए चेंज यहाँ पे यही है, प्लस, और इसमें प्लस की फैसिलिटी यहीं पे खत्म हो जाती है स्ट्रक्चर्ड कोर्स तक की, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे आता है आपका आइकॉनिक. सो बी एन आइकॉनिक, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली एमसीक्यू मेंस के क्वेश्चन आंसर लिखने को मिलेगा, स्टडी प्लानर होगा, पर्सनल फीडबैक मिलेगा, मतलब फैकल्टी आपको बताएगी कि यार तुम यहाँ पे कमजोर हो. बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो पड़ेगा कितने में. 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, यानी 2 साल यार, 2 साल का सब्सक्रिप्शन सोचो, केवल मात्र 99,000 में है, ठीक है, 99,000. और ये मैं ईएमआई भी ले सकता हूं, देखो 12 और 24 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई है, सोच रहे हो 12 महीने की भी और 24 महीने की भी नो कॉस्ट ईएमआई. बट आलोक वाईटी कोड ना इस्तेमाल करके मैं एसपीए केपी कोड भी इस्तेमाल करूं, या फिर मैं आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करूं, आप कोई भी कोड इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा. तो ये आपको पड़ेगा 89,100 रुपीज का, सोचिए 89,100 रुपीज 24th मंथ. बट उसी तरीके से केवल आप 12 महीने का चाहते हैं कि हाँ भाई मेरी तैयारी पूरी है, मुझे 12 महीने के लिए चाहिए एक पर्सनल मेंटर जो पूरी तरीके से मुझे दे सके अपना टाइम, तो 64,000 का ये आपको कॉस्ट है.
किंतु परंतु लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे आलोक वाई टी का, कौन सा कोड, आलोक वाई टी या SPAKP10 का, तो आपको ये पड़ेगा 57,600 रुपीज का। सो प्लीज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करें और यूपीएससी को ना छोड़ें। क्यों? बिकॉज वी विल क्रैक इट, सो लेट्स क्रैक इट। तो दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 ईयर इन करंट अफेयर एंड जीएस। सो अब हम बात करते हैं हमारा फॉर्मेट क्या है। हमारा फॉर्मेट जो डेली फॉर्मेट चल रहा है, हम करंट अफेयर को एमसीक्यू फॉर्मेट में करते हैं, मतलब हम एमसीक्यू करते हैं फिर उसकी डिटेल डिस्कशन करते हैं। हम इस तरीके से अपने करंट अफेयर को पढ़ते हैं क्योंकि मेन क्या है, हमको क्वेश्चन ही तो करना है जाके प्री में, ठीक है। पीटी में क्या करना है भाई, क्वेश्चन करना है। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं। जब हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि भैया ये पॉइंट ही इसमें से इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पढ़ना है, और हम इसे रिवाइव करते रहते हैं। मतलब पुराने क्वेश्चंस और भी पैटर्न में नए नए तरीके से बन के आते रहते हैं, तो ये हमेशा एक इंटेंसिटी आपकी बनी रहेगी, आपकी चीजें ये बनती रहेगी। तो डिटेल डिस्कशन होती है, पूरे पॉइंट्स हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट, और ये बेनिफिशियल है सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो 17 जुलाई आज की तारीख, और आज के हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, सारे ही दिन डालते हैं हम लोग तो, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब बहुत जल्दी इसके लिए प्लान भी कुछ ऐसा किया जा रहा है कि आप इसे रियल टाइम में भी कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रायल वर्जन करेंगे हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट, ठीक है। अगर वो सही बैठता है तो वो उस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसे रियल टाइम में इन क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग रिलैक्सेशन स्टडी चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर प्रोवाइड होगा, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑल रिसोर्सेज से, ठीक है, सभी रिसोर्सेज से आपको प्रोवाइड होगा, और साथ में नेक्स्ट डे आपको क्या मिलेगा, उनके एमसीक्यू मिलेंगे विद डिटेल डिस्कशन मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे, सारे कोने छान लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या सही स्टेटमेंट है। तो पहला बोल रहा है अबाउट 30% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन फॉल इन रिप्रोडक्टिव एज ऑफ ग्रुप ऑफ 15 to 49। नहीं, ये 30 नहीं है, ये 50% है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं इस तरीके से कहाँ पे चेंज होगा, आप ये देखिए। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैज इंट्रोड्यूस द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिक इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम अंडर अंतरा प्रोग्राम। तो आपको पता होना चाहिए अंतरा, यहाँ पे अंतरा के बदले एकदम सही है, अंतरा के बदले मंत्रा कर देगा, स्वतंत्रता कर देगा, कुछ भी कर देगा, बट ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है इंडिया क्रूड बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट एंड टीन एजर फर्टिलिटी ऑल हैज डिक्लाइंड रिसेंटली। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। तो दूसरी और तीसरी एकदम सही स्टेटमेंट है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो डाटा ऑफ फैमिली, डाटा ऑन फैमिली प्लानिंग अभी रिसेंटली रिलीज किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में भी आपको पढ़ना है, वो अभी हमारा आगे की नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें आएगा आगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन बनते आएंगे। तो इसमें यही कहा, देखिए 50% जो पॉपुलेशन है वो क्या है भाई, रिप्रोडक्टिव एज में, 15 से 49 को क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू बनेगा आपका आगे चल के, अभी आपको आगे एमसीक्यू इसके ऊपर मिलेगा, आपको आगे एमसीक्यू इसके ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं क्रूड बर्थ रेट, और उसके बाद फर्टिलिटी रेट और टीनेजर फर्टिलिटी रेट, ये तीनों आपके रिड्यूस हुए हैं। अब आप इन्हीं चीजों को जब आप कहीं मेंस में लिखेंगे तो मेंस में सेम यही पॉइंट कहीं पे कोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको पीटी और मेंस को लिंक करके पढ़ना होता है, ठीक है। अब ये बात है कि इंडिया ने एफर्ट लगाए बहुत जगह में, और बहुत सारे स्टेट्स ने, 36 स्टेट और यूटी ने अच्छा काम किया है इन सबको रिड्यूस करने में, ठीक है। चलिए, और नेशनल प्लानिंग प्रोग्राम जो है, ये वाला कौन सा प्रोग्राम है, अंतरा प्रोग्राम है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसे भी आप कोट कर सकते हैं मेंस में, ठीक है। तो पीटी के पॉइंट्स मेंस में ही कोट करने होते हैं और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे सॉल्व कीजिए। चलिए तो पहला पॉइंट कह रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑफ कॉटन कैन बी यूज्ड एज एन एनर्जी हार्वेस्टर स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है नेचुरल सी वाटर इज एक्सप्लोर्ड एज एन अल्टरनेटिव एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। तो ये साइंस टेक का क्वेश्चन हो गया, देख के ही पता चल रहा है। सुपर कंडक्टर और अल्ट्रा कैपेसिटर आर नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोर डिवाइस, तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो भैया ये रिसेंटली हमारे जो भी साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट होती है उन्हें देखना होता है, ये भी सही है। कॉटन का वेस्ट जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है कैपेसिटर बनाने में, सी वाटर को देखा जा रहा है कि भाई इसका इस्तेमाल किया जाए इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये थर्ड वाला भी सही है एकदम। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इनोवेशन इन सुपर कंडक्टर की बात चल रही है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ये हुआ है, देखिए ये सुपर कंडक्टर ये होते हैं कि ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है इससे ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और ज़्यादा लंबे समय तक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर
पाउडर मेटलर्जी एंड एनर्जी मटेरियल जो है, न्यू मटेरियल जो है, इसने अभी देखा है कि भाई जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है कॉटन इंडस्ट्री से, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्या बनाने के लिए, सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग ड्राफ्ट रूल फ्रेम्ड अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला कह रहा है, इन द ड्राफ्ट इट हैज डन अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ट्रांस पर्सन्स अप्लाइंग फॉर अ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, ये तो बात सही है, इसमें ये किया गया अभी रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है, सीएमओ वुड इशू द ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर नहीं, ये मजिस्ट्रेट करता है, ये ध्यान रखना। तो ये कौन है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए अभी क्या हुआ है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट जो है, ठीक है, जिसमें चेंज करने के लिए उसके लिए ड्राफ्ट लेके आए थे। ठीक है, तो उसमें एक बात कही है, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि भाई जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपने मैंडेटरी किया है इसको कैंसिल करो, तो उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो और अब क्या करेंगे, डिक्लेयर खुद करेंगे ट्रांसजेंडर्स अपने आप को कि हम ट्रांसजेंडर हैं, और एक एफिडेविट जमा करेंगे, जिसके बाद कौन, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उन्हें क्या दे देगा, क्या दे देगा, मजिस्ट्रेट दे देगा उनको आई कार्ड दे देगा, आइडेंटिटी कार्ड दे देगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बड़े अजीबोगरीब होते हैं। ठीक है, कहीं इंटरनेशनल में कभी कहीं कुछ ऐसी कोई न्यूज़ आ गई और कुछ ऐसा मतलब पास्ट की चीज़ को कहीं सेलिब्रेट किया गया और पूछ लेगा, तो सर बर्निका मैसेकर समटाइम्स सीन इन न्यूज वॉज अकर्ड एट, कहाँ पे अकर्ड हुआ था, तो यहाँ पे ये डी है, ये क्या है, डी है, हम डी हैं भाई, ये बता रहा है हम डी हैं, सी और डी, चाइना से सी डी। तो बोस्निया और हर्ज़गोविनिया, इटली, जापान और चाइना, कहाँ पे ये मैसेकर हुआ था, कहाँ से रिलेटेड है, तो भैया ये है बोस्निया एंड हर्ज़गोविनिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसी को अभी मैसेकर जानते हैं आप लोग, कत्लेआम। ठीक है, हुआ था कभी यूरोप में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, 1991 में, जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया से रिलेटेड ये है। ठीक है, तो मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा मारा गया था, तो ठीक है यहीं पर थोड़ा ध्यान यार आपको रखना है। तो जेनोसाइड से करार दिया गया है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने। ठीक है, तो उसी का क्या है, कमोरेटिव किया गया है, तो वही उसे याद किया गया है, तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फोर्सेज आर वर्किंग टूवर्ड्स इंडक्टिंग एन आर्म्ड वर्जन ऑफ हेरॉन यूएवी। ये हेरॉन यूएवी क्या है, अंडर द एम्बिशियस प्रोजेक्ट चीता सुपर हेडेड बाय इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से भाई, यूएस, फ्रांस, रशिया, इजराइल। तो आपको ये मेनली बताना है कि हेरॉन यूएवी हम कहाँ से ले रहे हैं, तो ये यूएसए से ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, तो ये आ गया देखो, साइंस एंड टेक का भी आ गया और सिक्योरिटी वाला भी आ गया। ठीक है, तो कहाँ से क्या खरीद रहे हैं ये सब होना चाहिए पता, तो कहाँ से ले रहे हैं इसको, इसराइल से ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हेरॉन यूएवी कहाँ से परचेज कर रहे हैं, हम लोग इसराइल से पता कर रहे हैं, और इनके बारे में कुछ नहीं जानना होता, बस इतना ध्यान रखिए, क्या है, यूएवी है, बस इतना, और कुछ नहीं जानना। और एक बात ये, यहाँ पे जैसे कि प्रोडक्ट चीता किसका है, इंडियन एयरफोर्स का है। ठीक है, बस ये जानना है। चलो नेक्स्ट आ गया भाई, इंडिया इंडक्टिंग स्पाइक मिसाइल। स्पाइक मिसाइल इंडिया इंडक्ट करने वाला है। ठीक है, पहले से ही है, इसे डेवलप किया रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। तो रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया, ये कहाँ से, कहाँ की मिसाइल है, किसने डेवलप किया, यूएसए, फ्रांस, रशिया, इजराइल। ठीक है, चलिए आपको ये बताना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है भाई, डेवलप किसने किया है, तो इसने तो चलो डेवलप बता दिया, रफाल ने किया है, रफाल ने, तो बट कहाँ से ले रहा है, तो ले रहा है इजराइल से, कहाँ से, इजराइल। ठीक है, तो स्पाइक मिसाइल कहां से ले रहा है, इसराइल से ले रहा है। फायर टू फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है ये, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, डेवलप किया रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसराइल के। ध्यान रखना रफेल जो विमान है, फाइटर जेट, वो हमने फ्रांस से लिए हैं, ये एडवांस डिफेंस कंपनी है, क्या है, कंपनी है। चलो नेक्स्ट है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डेवलप किसने किया, अभी भी ऐसे क्वेश्चन है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, DRDO, रफेल, भेल या HAL। तो भेल का फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और हॉल का क्या है आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो किसने डेवलप किया, तो इसको मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, वो आपने मूवी देखी होगी। ठीक है, वो ऐसे सनी पाजी यहाँ पे एक तोप रखते हैं अपने कंधे पे बॉर्डर मूवी में और तोप दाग देते हैं। ठीक है, तो ये वही तोप है, तोप दागा और टैंक यहाँ पे फूट गया। ठीक है, टैंक यहाँ पे फूट जाता है, तो इसे कहते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। किसने डेवलप किया, DRDO ने डेवलप किया है, कौन करे, DRDO। ठीक है, तो भैया वही है, बस आपको जानना है। और ये नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का ही वर्जन है। ठीक है, और इसके अंदर क्या लगा, हीट वॉरहेड। अब मैं बताता हूँ हीट वॉरहेड क्यों, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है इसके बारे में। ठीक है, सुनो क्या होता है, ये जाता है और टैंक के साथ चिपक जाता है, क्या कहता है, टैंक के साथ चिपक जाएगा और टैंक को ये बहुत ज्यादा गर्म कर देगा,
तो अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनका तंदूरी बन सकता है, ठीक है, तो उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। और ट्रैंक के क्या सिस्टम भी खराब हो सकते हैं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो फ्यूरी मूवी देखिए, फ्यूरी मूवी देखिए, उसमें टैंक के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां हैं, ठीक है, चलो। और उसमें एक टैंक है जिसमें आप देखेंगे, जब फ्यूरी मूवी देखेंगे तो बहुत एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी आपको, एक T-90 टैंक देखने को मिलेगा, ठीक है, जो जब उसके टैंक के ऊपर हमला करता है, ठीक है, ब्रैड पिट के टैंक के ऊपर हमला, तो वो टैंक इतना भयंकर होता है कि उसको कोई भी गोला लगता है तो गोला टकरा के भाग जाता है, यहां वहां ना गोले से मार पाते ना कुछ कर पाते, और बड़े फिर उसे टेक्निक से उसे मारना पड़ता है। ये T-90 टैंक इंडियन आर्मी के पास भी है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दुनिया का मोस्ट एडवांस टैंक्स में से है वो। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, लार्जेस्ट है क्या? मेरे ख्याल से लार्जेस्ट नहीं है, आई डोंट थिंक सो, इट इज लार्जेस्ट, इट इज थर्ड लार्जेस्ट, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीप इम्पोर्ट्स, ठीक है, द लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई। एपीआई क्या होता है यार? एपीआई होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये बेसिक्स होते हैं, इंग्रेडिएंट जो चाहिए होते हैं दवा बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? दवा बनाने के लिए, डिस्प्रिन, पैरासिटामोल, हर चीज के लिए। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर। तो भैया देखिए, अभी रिपोर्ट आई है ऑन एपीआई, किसने लॉन्च की है, किसने की है, ये देखिए, लंबी चौड़ी इंस्टीट्यूट है, TIFAC, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल ने, इसने कहा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है, आफ्टर, ध्यान रखना, चाइना, इटली। ये गजब है भैया, चाइना के बाद इटली है। चाइना तो सबको याद होगा, इटली है ये किसी को याद नहीं होगा, इसको दिमाग में पकड़ लेना। इसके ऊपर आगे हम लोग क्या बनाएंगे? MCQ बनाएंगे, पक्की बात है बनाएंगे, ठीक है, कभी नहीं ऐसा होगा कि बताएंगे नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, इंडिया मैक्सिमम एपीआई कहां से इंपोर्ट करता है? चाइना से करता है, ठीक है। किस शहर से? कोई मुझे बता सकता है कि चाइना में सबसे ज्यादा एपीआई का प्रोडक्शन कहां होता है? कोई एक जगह है जो बहुत रिसेंटली न्यूज में भी रही, ठीक है, कोविड की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में रही, अगर कोई कमेंट सेक्शन में बता दे तो भगवान उसका भला करेगा। चलो देखते हैं कोई बता पाता है कि नहीं बता। अलॉन्ग विद द रिपोर्ट द पेपर टाइटल्ड, एक पेपर ये भी वाला नाम का उसके साथ सबमिट किया गया, कोई इतना जरूरत नहीं है। TIFAC के बारे में जान लेते हैं, ये एक काउंसिल है, एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड है, एटोनोमस बॉडी है, किसके अंडर? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मैंडेट क्या है? एसेट आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इन सब में फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या करती है? बातें बताती है, चीजें देखती है, डेवलपमेंट के बारे में देखती है। चलिए 9वां क्वेश्चन आता है, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम वॉज लॉन्च्ड इन 2020, ठीक है, पढ़िए। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम वॉज लॉन्च्ड इन 2020, और दूसरा कहता है सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को चेयर्ड बाय नीति आयोग। तो ये वाला तो सही है, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो है ये तो 2020 में लॉन्च हुआ, एकदम बढ़िया है। नेक्स्ट बात कह रहा है सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर इज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडिया यूई स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप को चेयर, ये गलत है, EU के साथ नहीं है हमारा ये पार्टनरशिप, US के साथ है, ठीक है, और USAID इसके साथ जुड़ी हुई है, नीति आयोग के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ ट्रू, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए होगा सही आंसर, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम लॉन्च 2020 में, सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर US के साथ, US स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, नीति आयोग और USAID के साथ मिले हुए हैं, ठीक है। एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो है क्या नाम है, कब स्टार्ट की गई थी? USA में स्टार्ट की गई थी 1976 में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। आगे क्या करती है? एम्बिशियस देखती है किसके भाई, देखो एनर्जी और एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की चीजें ये देखती रहती है, ठीक है, एक्सपर्ट पैनल्स इसमें बैठे होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्रिस गोपाल कृष्ण कमिटी इज रिलेटेड टू, किससे ये रिलेट कमिटी होगी? डिफेंस सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी। अब वो डाटा सिक्योरिटी हर तरीके का डाटा, डिफेंस सिक्योरिटी हर तरीके की सिक्योरिटी, चाइल्ड सिक्योरिटी हर तरीके की, वुमेन सिक्योरिटी हर तरीके की, मतलब बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो बंधु ये किससे है? डिफेंस से है, डाटा से। तो हर एक जो कमिटी है, देखो एसएच प्री में तो केवल यही चाहिए होता है कि भाई कमेटी किससे रिलेटेड है, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत इसकी रिकमेंडेशन, ठीक है। तो अभी इसकी रिकमेंडेशन वो भी तब जब ये इंप्लीमेंट कर दी जाए, इंप्लीमेंट जब हो जाए तब इसकी जो हो जाएगी कि भाई उससे रिलेटेड कुछ बना दिया गया, इंप्लीमेंटेड हो गई इसकी, तब उसकी इंप्लीमेंटेशन को भी किया जाएगा कि उनकी इंप्लीमेंटेशन क्या है।
रिकमेंडेशन के ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, रिकमेंडेशन के ऊपर क्वेश्चन कम आएगा, इतना नहीं आएगा, ठीक है, बट अगर इंप्लीमेंट हो जाती है तब आ लगती है। और दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर पूछा जाएगा ये किससे रिलेटेड है, बट इसकी रिकमेंडेशन इंप्लीमेंटेशन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस में। मेंस में भैया कोई भी पूछा डाटा सिक्योरिटी डिफेंस सिक्योरिटी, तो उससे रिलेटेड कोई भी कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन लिख देंगे तो बढ़िया बढ़िया होगा, सामने वाले को बहुत सुंदर सुंदर लगता है। तो डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कृष्ण गोपालन कमेटी बनी है नॉन पर्सनल डाटा के ऊपर, ठीक है, कि कहता है कि नॉन पर्सनल डाटा जो बनाया गया है, ठीक है, नॉन पर्सनल डाटा जो है, ठीक है, जो बनाया गया है उससे रिलेटेड ये सारा पॉइंट बताता है, ठीक है, कि उसमें क्या होगा। तो कृष्ण गोपालन कमेटी ने सजेस्ट किया है कि भाई नॉन पर्सनल डाटा जो कंट्री में है उसे अलाउ किया गया है हार्नेस्ट करने के लिए वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज को दिया जाए, ठीक है, नॉन पर्सनल डाटा जिसमें किसी की पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है काजी 106 क्या है ये न्यूज में है, चलिए बताइए, एलिफेंट है टाइगर है, सॉरी टाइगर है एलिफेंट है डॉल्फिन है या लायन है, तो काजी 106F ये क्या है। आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करें, रिलैक्सेंस स्टडी ज्वाइन करें और अन अकेडमी के साथ यूपीएससी क्रैक करें, ठीक है, और साथ में बताएं काजी 106F क्या, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। तो बंधु ये है एक शेर, क्या है शेर यानी टाइगर, ठीक है, टाइगर है सॉरी शेर नहीं, ठीक है, तो टाइगर है, ठीक है, और कंट्री का एकमात्र गोल्डन टाइगर है, क्या है गोल्डन सोने का टाइगर है, कहां मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में, वो कहां है आसाम में, स्ट्रॉबेरी टाइगर भी है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी टाइगर है, तो जाए इससे मिले इसके साथ फोटो खिंचाए, ठीक है, समझ में आ गई बात, बस इतना इसके बारे में ध्यान रखना है और कुछ इसके बारे में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें एक बात आप ध्यान रखना है, इसके अंदर एक जीन बनता है अगौती जीन जो होता है वो पिगमेंट के कारण इसके पास येल्लो और रेड ब्राउन कलर का कुछ बन के आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए, 12वां, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये बन जाता है तुम्हारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन प्लस साइंस एंड टेक का क्वेश्चन प्लस नहीं इन्हीं दोनों का ही बनता है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में भी इसे डाल सकते हैं, बट ये है करंट अफेयर का, क्यों, क्योंकि ये कहीं बेसिक बुक में नहीं दिया हुआ है, कहां नहीं दिया, बेसिक बुक में नहीं दिया, किसी भी बेसिक बुक में नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये मिलेगा करंट अफेयर में, ये करंट अफेयर का है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अगर आप क्या नाम है अनअकैडमी को ज्वाइन करेंगे, अनअकैडमी में बने रहेंगे तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते रहेंगे। तो 12वें में देखते हैं, पहला पॉइंट कह रहा है मैग्नेटिक मिनरल आर सेंसिटिव टू फिजिकल एंड केमिकल एनवायरमेंट दैट दे आर एम्बेडेड इन, एकदम सही बात है भाई, जिस एनवायरमेंट में मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो उस हिसाब से क्या करेगा प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेता है। दूसरी बात क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो उनके हिसाब से इंडिया को 4 रीजनल क्लाइमेटिक फीचर्स में बांटा जा सकता है और एक लोकलाइज्ड क्लाइमेटिक इवेंट में। अब आप बोलोगे ये कहां से आया, ओ माय गॉड ये कहां से आया, बट ये आया क्योंकि ये करंट में आया है रिसर्च में, तो बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ने यह पढ़ाई की है और उसने पैलियो मानसूनल पैटर्न ऑफ सब कॉन्टिनेंट दिखाया है, पैलियो पत्थर से रिलेटेड सारी चीजें देखी हैं पुरानी, ठीक है, पैलियो मतलब पुराना, ठीक है, चलो तो उससे रिलेटेड सब कुछ देखा है और उसमें उसने ये देखा, देखिए पहली बात तो ये होता है मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं सेंसिटिव होते हैं फिजिकल और केमिकल एनवायरमेंट के, तो जैसा वो एनवायरमेंट मिलेगा वैसा वो अपने आप को एम्बेडेड कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें यह पाया गया है कि देखिए क्या हो रहा है, इसी एनवायरमेंट के चेंज की वजह से मैग्नेटिक मिनरल मैग्नेटिक स्टडी के हिसाब से इंडिया को 4 रीजनल क्लाइमेटिक फीचर्स में बांटा जा सकता है, एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, और एक 1 लोकलाइज्ड क्लाइमेटिक इवेंट में बांटा जा सकता है। ये रहे वो 5 महारथी आपके पास, ठीक है। अब आम बात है इससे रिलेटेड आपको MCQ 100% श्योर मिलेगा, हाई मानसून प्रसिपिटेशन द वीकनिंग ऑफ मानसून मॉनसून ऑफ इंटेंसिफिकेशन हेलोसीन एरिडिटी और लोकलाइज्ड फीचर। अब ये कहाँ पे है किस पार्ट में है ये आपको जानना है, ठीक है, मेनली आपको ये जानना है कि किस पार्ट में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आगे फ्यूचर में मिलेगा पक्का। नेक्स्ट आ जाइए 13th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2020 जो 15 जून को बनाया गया है। चलिए देखते हैं कब और कहां पे इसकी थीम क्या थी इसकी थीम। तो इसकी थीम थी स्किल फॉर अ रिसाइलेंट यूथ, रिसाइलेंट यूथ, ये थी इसकी स्कीम। ओके सरन मैम, चलिए आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट आ जाइए 14th, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम
which was the largest पहले क्वेश्चन सुन रहे which was launched recently, consider the following statement. देखिए इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फॉरम अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है. इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू एग्जामिन इंपॉर्टेंट एनर्जी एंड एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज इन इंडिया. बहुत सही बात है, एकदम अच्छी अच्छी बात आ रही है, फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है, तो यह सही स्टेटमेंट लग रही है. ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी विल इनिशियली कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द फॉरम विद एंड फाइनलाइजिंग इट्स गवर्नर स्ट्रक्चर. यार देखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बहुत जगह आती है काम में ऐसी चीजों में, बट वो यहां पे नहीं है. ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर. हम लोग पीछे कर चुके हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए. अभी आया आपके सामने बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड किसके बीच में, भाई यूएस, यूके, रशिया और यूरोपियन यूनियन. सो सर एंड मैम प्लीज बताइए, प्लीज बताइए कि ये किसके बीच में है. सो इंडिया का ये जो रिलेशन बना है बायलैटरल वाला रिसेंटली न्यूज में है, ये किसके साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ. किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ. हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. विद रिस्पेक्ट टू ड्राफ्ट ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट रूल 2020 पब्लिश्ड रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर टू हैव अ कमिटी विद ट्रांसजेंडर पर्सन कैन अप्रोच इन केस ऑफ एनी हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन. अब देखो ये ड्राफ्ट रूल से पूरी की पूरी बात पूछ ली है. देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ड्राफ्ट से कभी क्वेश्चन नहीं बनते हैं सच, बट ठीक है यहाँ पे पूछ लिया तो ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है आइडेंटिटी कार्ड देगा, ये हमको पता है. तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, तो बोथ वन एंड टू करेक्ट. तो अगर आप थोड़ा सा भी ड्राफ्ट अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ड्राफ्ट को ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती क्योंकि जब तक वो बनता नहीं है पूरी तरीके से एक्ट, तब तक नहीं होता. प्रोडक्ट चीता प्रोजेक्ट चीता जो है किससे रिलेटेड है, इंडियन एयरफोर्स, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO. तो अभी हमने जस्ट पीछे किया है, जस्ट पीछे किया है, और ये जस्ट किससे है, इंडियन एयरफोर्स से. ओके तरण मैम, सो आलोक पार्टी कोड इस्तेमाल करें और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है. प्रज्ञता गाइडलाइंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिलीज्ड प्रज्ञता गाइडलाइंस. इट इज एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड है, ये डिजिटल एजुकेशन से है, वुमेन से है, प्रिवेंशन से है, किससे है. तो ये है आपका डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड है प्रज्ञता गाइडलाइंस. ठीक है, तो इसमें पूरी बात दी गई है कि भैया कितना बच्चों को पढ़ाया जाए, कितने घंटे पढ़ाया जाए, तो वो सारी बात दी गई है. क्योंकि हमें मालूम है कोविड के समय क्या हो रहा है, कोविड के समय ये है कि सब कुछ ऑनलाइन ही होता जा रहा है. चलिए अब हम देखते हैं कि जितनी कल की न्यूज़ है, मतलब जितनी भी रिसेंटली न्यूज़ हमारी बनी. देखिए हम आम बात है MCQ करते हैं तो एक दिन का हम पीछे का ही करेंगे, क्योंकि एक दिन में आप पूरे न्यूज़ पढ़ेंगे, उसे अच्छे से समझेंगे, तभी तो नेक्स्ट डे करेंगे. जब पढ़ेंगे नहीं तो सॉल्व कहाँ से करेंगे. ठीक है, तो प्लीज़ वहाँ पे चैनल पे आपको रिलेजन स्टडी चैनल पे भी आपको रेगुलर क्या करते हैं, रेगुलर आपको पूरा का पूरा PDF मिलता है, तो उस PDF को आराम से पढ़िए. ठीक है, पूरा उसे अच्छे से पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये बहुत मजबूत होता जाएगा. ठीक है, और साथ में आलोक आईडी कोड इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो अब देखिए न्यूज़पेपर में देखिए ये जो एक सेक्शन आता है यहाँ पे डाटा रिलेटेड होता है, तो ये डाटा रिलेटेड बहुत अच्छा होता है. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि देखिए अभी मानसून बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी खरीफ सीजन में. ठीक है, तो उसका परसेंटेज बढ़ा दिया. तो और साथ में ये भी कहा है जो रिजर्वायर है 123 रिजर्वायर, उनमें पानी भी बहुत ज़्यादा हो गया. तो ठीक है, तो यूपी में सबसे ज्यादा है, गुजरात में, झारखंड में, तो ये आपको थोड़ा रिजर्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं. देखिए एक क्या है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनी है हाउस ऑफ अफेयर की, किससे रिलेटेड, माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड. ठीक है, और इसेंशियल ड्रग्स से रिलेटेड, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ इसेंशियल ड्रग्स से रिलेटेड. तो आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पॉलिटी का स्टैटिक बन जाता है, ये क्या बन जाता है, पॉलिटी का स्टैटिक बन जाता है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एक मिनट रुकिए, तो ये पॉलिटी का स्टैटिक हो जाता है. पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कौन बनाता है, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द हाउस. ठीक है, कितने मेंबर होते हैं हर एक में, ठीक है, क्या काम करती है, कितने साल के लिए होती है, क्या सब कुछ आपको ये स्टैटिक का पोर्शन यहाँ पे जानना होता है. पॉलिटी में जब भी पढ़ें तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इसको बहुत अच्छे से पढ़ें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है. मोदी जी ने देखिए वर्ल्ड यूथ डे जो था उसमें बात की है, किसके बारे में, स्किल, रीस्किल और अपस्किल की बात की है. ठीक है, तो चैनल पे आपको इससे रिलेटेड क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा मेंस का. ठीक है,
तो अब हम लोग मेंस के क्वेश्चंस भी डालना शुरू कर देंगे, तो उन्हें आप लिख के भेज सकते हैं पेपर में, ठीक है, लिख के प्लीज भेजें, उसे चेक करने की कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से कि क्या आप उसमें सही लिख सकते थे, क्या चीज़ें आप और ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें यह बात की गई है कि भाई हमें स्किल और रीस्किल और अपस्किल करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए मराठा कोटा की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट अब इसे देखने वाला है, मराठा कोटा से जो भी इशू है। देखिए हाई कोर्ट ने 12-13% जो मराठा कम्युनिटी को दिया गया था सोशल और बैकवर्ड क्लास में, उसे बिल्कुल खारिज मतलब उसे दे दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी देखेगा कि ये सही की है कि नहीं है, क्योंकि 50% जो कैप है इंदिरा सहानी केस जजमेंट में, ठीक है, वो कैप लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड इसे ये ब्रीच करेगा। तो अगर जो ये हम लोग अभी वाले जो ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये देखिए ये क्या है, अभी हमने जितने भी पीछे किए, ठीक है, वो सारे बड़े क्वेश्चंस किए, जो ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन है ये आपको रिलेक्जन स्टडी चैनल पे, ठीक है, पोल के फॉर्म में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप पोल इन्हें कर सकते हैं, और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनका भी पोल बहुत जल्दी हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको पोल मिल जाया करेंगे, तो कोड इस्तेमाल कर सकते हैं आप आलू पार्टी, ठीक है। अशोक लवासा जी क्या बन गए भाई, वाइस प्रेसिडेंट बन गए एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर का है मनीला में, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए एक वैक्सीन है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो सारी वैक्सीन और दवाइयों की क्या करते हैं लाइसेंस जारी करते हैं, निमोनियल पॉलीसेक्राइड कंजुगेट वैक्सीन, इसे लॉन्च करने के लिए परमिशन मिल गई है, ठीक है। नेक्स्ट है लैंसेट की रिपोर्ट आई है कि भाई जो पॉपुलेशन है इंडिया में 2047 में टॉप पे पहुंच जाएगी, अपने पीक पे पहुंच जाएगी, तो इंडिया उस टाइम नंबर 1 पे होगा, फिर उसके बाद होगा आपका नाइजीरिया, चाइना, यूएस और पाकिस्तान। रिलेटेड क्वेश्चन करना है प्लीज रिलैक्सिंग स्टडी जाइए, कोर्ट इस्तेमाल कीजिए आलोक पार्टी, ठीक है। तो नाइजीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने के आगे चांसेस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेलघाट टाइगर रिजर्व, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत न्यूज में अभी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव रेल रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मेलघाट टाइगर रिजर्व से जाएगा तो आम बात है यहाँ पे इकोलॉजी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। नाम क्या है इसका रेलवे लाइन का, अखोला खांडवा लाइन, ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जीआई टैग, देखिए उदंगुदी जो साउथ तमिलनाडु में है इसे क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है, क्या है, जगरी है, गुड़ है, ठीक है, गुड़ खाइए, मस्त रहिए। नेक्स्ट है देखिए ट्रंप महाराज ने कहा है कि देखो हांगकांग का प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग खत्म कर रहे हैं ट्रीटमेंट, क्योंकि क्या लेके आया है चाइना, क्या लेके आया है न्यू सिक्योरिटी लॉ लेके आ गया है, ठीक है, बैंकॉक में, तो कहा है इसको हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, हांगकांग में। तो अब बात ये आपको ध्यान रखनी है, आपको ये बताना है कि वन कंट्री टू सिस्टम कहाँ पे किन दो प्रोविंस या कंट्रीज के बीच में आपस में है, ठीक है, कहाँ लागू होता है। नेक्स्ट है चाइना ने हुआई के जो बैन लगाया है यूके ने किसमें, 5G क्लब या D10 क्लब में, ठीक है, तो उसके ऊपर दुख जारी किया है कि भाई ये गलत किया गया है, तो आपको बताना है 5G क्लब किसने बनाया है और D10 क्लब में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ये आपको करंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, देखिए एक इंडिजिनस बग है, ठीक है, क्या नाम है, लेडी बर्ड बीटल, ठीक है, तो ये इंडिजिनस क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, इसको मार दे रही है किसको, एक इन्वेसिव पेस्ट है जिसका नाम क्या है, होली व्हाइट फ्लाई। तो ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पूछ सकते हैं होली व्हाइट फ्लाई क्या है, तो ये क्या है, एक इन्वेसिव स्पीशीज या पेस्ट है, ठीक है। चलिए तो ये आपको जितने भी करंट अफेयर के न्यूज थे, जितने भी हमारे हिंदू के, वो भी हमने कर लिए, ठीक है। तो दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप प्लीज इसे ज्वाइन, इससे में कोई भी क्वेरी पूछना है पूछ सकते हैं। दिस इज माय चैनल रिलीजन स्टडी, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF एंड अदर थिंग। दिस इज माय कोड आलोक वाईटी, जिसे इस्तेमाल करें 10% तुरंत डिस्काउंट पाए, EMI पे भी ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, किसी भी तरीके की क्वेरी हो तो प्लीज बताइएगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट्स क्रैक इट।